अब तक आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस वर्दी ही नहीं हमदर्दी भी होती है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा जी ने, जिन्होंने दुष्कर्म पीड़िता को गोद लेने की बात कही है। आज हम उन्हीं के साथ हैं, आइए हम उनसे जानेंगे कि इस केस को उन्होंने कैसे सुलझाया और इस केस को सुलझाने के दौरान उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये जब केस घटित हुआ 25 तारीख की बात है, सुबह 10:21 पे सूचना कंट्रोल रूम को मिली 100 डायल पर, और इसी सूचना के आधार पर हमारी FRB वहां पहुंची डांडी आश्रम, जहां से बच्ची को बरामद करके हम लोग थाने लेके आए और उसकी बात सुनी। सारी घटना की जानकारी मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को दी, जिन्होंने बड़ी संवेदनशीलता बरती और तत्काल ही उन्होंने जो है साइबर की टीम, महिला अधिकारियों की टीम, थाना प्रभारी महिला थाना और CSP माधवनगर जो स्वयं महिला अधिकारी, उनको भेजा और उसकी संवेदनशीलता को समझा। और लगभग इसमें 30 आदमियों का दल उन्होंने विभिन्न स्थानों पर फुटेज निकालने के लिए और ट्रैक क्लियर करने के लिए लगाए, और बड़े स्तर पर इसका अनुसंधान होने से घटना बहुत जल्दी डिटेक्ट हुई। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान DIG साहब और श्रीमान IG साहब का मार्गदर्शन और पूरा उसका नियंत्रण करने के कारण जो सफलता मिली है। थाने स्तर पे नहीं बल्कि बड़े स्तर पे इसकी तैयारी थी और बड़े स्तर पे ये विवेचना की गई, इसलिए आपको इतनी जल्दी सफलता दिखी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस केस को सुलझाते समय आपके मन में क्या भाव चल रहे थे? दुष्कर्म पीड़िता के साथ जो इस तरह की घटना हुई थी, तो आपके मन में क्या भाव चल रहे थे? पीड़िता को देखने के बाद तो मेरे मन में जरूर आया कि बेचारी बहुत तड़प रही और इसकी मुझे मदद करना चाहिए। जहाँ तक मन में चल रही बात अनुसंधान को लेकर, एक गंभीर चिंता तो उत्पन्न हो गई थी, एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का मामला है राष्ट्रीय स्तर पर उठेगा, अगर मैं नहीं पकड़ पाया तो क्या होगा, ये चिंता मुझे थी। बच्ची के लिए मैं इतना चिंतित इसलिए नहीं था कि मैं तो उसे संभाल ही लूंगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो मेरे मन में सबसे पहले चिंता चल रही थी कि ये केस डिटेक्ट हो जाए, जो बाबा महाकाल जी के पास हो गया। और रही बात अब बच्ची की जिम्मेदारी, तो बच्ची की जिम्मेदारी तो 100% सुरक्षित है। बच्ची जिस तरीके से मेरे मित्र आगे आए हैं, जिस तरीके से जनता के लोग आगे आए हैं, उसे काफी मदद मिल रही है। उसकी चिकित्सा और शिक्षा की जिम्मेदारी डॉक्टर विनोद भंडारी, जो अरविंदो हॉस्पिटल के ऑनर हैं, उन्होंने लिए और काफी लोग उसके आगे आ गए हैं। अब मैं नहीं सोचता कि मेरे छोटे से संकल्प को तोड़ पाएगा। बाबा महाकाल ने जितनी मजबूती के साथ इस संकल्प को बड़ा करा दिया है, अभी संकल्प 100% होकर रहेगा। आपने दुष्कर्म पीड़िता को गोद लेने का निर्णय लिया है, यह कैसे आपके मन में आया, ऐसे भाव कैसे आए? मेरी बच्ची नहीं है, दो लड़के ही हैं। मेरे दिमाग में आया अगर बच्ची भी हो जाएगी तो हम उसको पाल सकते हैं, और इसकी जो भी अब कानूनी अड़चने हैं उसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है उनके परिजनों से भी पूछेंगे। अगर वो तैयार होते हैं तो हम बिल्कुल अडॉप्ट कर लेंगे, और नहीं होते तो भी वो हमारी बच्ची है और उसके लिए हम वही चीज करेंगे जो अपनी बच्ची के लिए करते हैं, उसकी शिक्षा, चिकित्सा और उसके विवाह के लिए जो पैसा है हम जल्द ही उसके खाते में 1 वर्ष के अंदर जमा करा देंगे। क्या बच्ची के घर वालों से आपकी अभी इस प्रकार की कोई चर्चा हुई है? हाँ, पिता से मेरी बात हुई है, तो अभी उन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है। वो भी पहली चीज उनकी है कि बच्ची स्वस्थ हो जाए, और मैं भी चाह रहा हूँ कि बच्ची स्वस्थ हो जाएगी तो मुझसे हिल मिल जाएगी, और इसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया उनके परिवार वालों से मिलकर बात करने वो पूर्ण होगी। यह थे हमारे साथ महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा जी, जिन्होंने मानवीयता का परिचय देते हुए दुष्कर्म पीड़िता को गोद लेने का निर्णय लिया है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।